तो कैसे हो भाई लोग। तो मैंने कल आपको बताया था वीडियो बनाकर, एक उसमें मैंने गाड़ी स्टार्ट करके नहीं देखा था उसमें, तो मैंने इसमें आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। ये देखो इसमें कितना ख़तरनाक तरीके से लीकेज हो रहा है, मतलब इसमें से धीरे 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 ऑयल मतलब टपकते ही जा रहा है, पूरा नीचे भी गिरने लग गया ऑयल। अभी मैंने इसको चालू करी थी और कम से कम 15-20 मिनट तक चालू रखा मैंने, तो इसमें से ऑयल निकलना कंटिन्यू खड़ी गाड़ी में, मतलब ऑयल ऐसा गिर रहा है। तो मतलब जब चलती है गाड़ी तो कितना गिरता होगा, तो वही मैं देख रहा था कि इसको मैंने स्टार्ट किया सुबह और देखा तो इसमें से ऑयल यहाँ से गिरने लग गया खड़ी गाड़ी में। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसके बाद भी, बस स्टार्ट करके छोड़ दिए मैंने गाड़ी और ऑयल इसमें से टपके जा रहा है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। ये अभी देखो मैं आपको पूरा वीडियो इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया वीडियो कि आपको बता दूँ मैं, आप भी देखना, आप देखते नहीं होंगे, अगर आपने देखना ध्यान से, अगर आपकी गाड़ी में गिर जाएगा तो मेरे को बताना ठीक है। तो क्योंकि मैंने तो अभी देखा एकदम, तो मैं तो मतलब हैरान ही हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, इसमें से एकदम ऑयल गिरने लग गया बिल्कुल। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने कि गाड़ी को बिल्कुल ऑफ रोडिंग में भगाया, ये करा वो करा। देखो अभी इसमें दिखाता हूँ मैं आपको और अच्छे से अंदर से बिल्कुल पूरा, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि इसमें से ऑयल कैसा लीकेज हो रहा है। पहले था हल्का, बाकी ऐसा नहीं था कि वो तो होता नॉर्मल, थोड़ा बहुत तो होता। अभी मेरे को किसी ने बोला था 160 में भी हो रहा था, जो हमें पुरानी वाली थी उसमें भी होता है ऐसा मतलब, तो मैंने चलो ठीक है मैंने पहले भी देखा था, पर इसमें क्या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बिल्कुल। यहाँ से बह रहा पूरा नीचे तक, देख लो यहाँ से आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे ये निकलते जा रहा है यहाँ से बिल्कुल धीरे 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 बिल्कुल ऐसा। मतलब गाड़ी चलेगी तो मतलब इसकी स्पीड से निकलेगा वो, पता चले गाड़ी वहीं पर पूरा ये फुट जाएगा मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा निकल रहा ना स्टार्ट करने पर ऐसा निकल रहा, तो आप समझो ना यार गाड़ी जब चलेगी बिल्कुल, जब ऐसा मतलब इधर उधर हिलेगी गाड़ी तो कितना मतलब होगा। ये देखो इसको यहाँ पीछे भी मेरे को लग रहा है कि इसमें से भी बाहर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर पता नहीं क्या है, मैं दिखाना तो पड़ेगा, गाड़ी पूरी चेक करवाना पड़ेगी एक बार, क्योंकि नहीं तो ऐसे में तो अभी 200 किलोमीटर चलाई मैंने कंटिन्यू, तो ये हालत है, तो पता नहीं इससे थोड़ा ज़्यादा चला ली तो फिर तो ख़त्म ही काम हो जाएगा। तो पता नहीं यार इसमें क्या दिक्कत है, तभी मेरे को लग रहा है कि हॉर्नेट जो है इसको डिसकंटिन्यू करके न्यू हॉर्नेट ही लॉन्च कर रहे हैं, वही मेरे को लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत ही आ रही है। इसका इंजन पता नहीं क्या बना है क्या नहीं है, क्योंकि पहले तो ये यहाँ से लीकेज मार रहा था आगे से पूरा, जहाँ से अपन ऑयल डालते हैं ना वहाँ से पूरा, उसकी भी 4 बार तो रिंग चेंज करवाई है मैंने, उसके बाद अब ये नया काम आ गया। अब गाड़ी में चलाऊँ भी कि नहीं चलाऊँ, बस ये काम ही करवाते रहूँ गाड़ी में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो सोच रहा हूँ कि अब ये गाड़ी को बेच दूँ, 1 साल ही हुआ, 1 साल में ये हालत हो रही है, तो पता नहीं आगे क्या होगा।